फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की, प्रॉब्लम नंबर 3 की। इससे पहले मैं इसकी सारी प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी अपलोड कर चुका हूँ, तो देख लेते प्रॉब्लम। अ सर्कुलर स्टील बार 3 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्मली टेपर 50 mm डायमीटर फ्रॉम द वन एंड टू 25 mm एट अदर एंड, यानी कि अगर आप देखेंगे 50 एक तरफ है, 25 एक तरफ है, 3 मीटर लॉन्ग दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच विल डिफॉर्म विद द पॉइंट एट। मतलब कि उसने बोला है कि अगर डिफॉर्मेशन आपको जो चेंज इन लेंथ है वो 0.8 दे रखी है, लेंथ उसकी दे रखी है आपको 3 मीटर, कैपिटल डी आपको 50 दे रखा है, स्मॉल डी उसने आपको 25 दे रखा है, तो लोड पूछा है। तो सबको चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताया क्या है आपका, 4PL ओवर पाई ई D1 D2। तो मुझे यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सिंपल है, 0.8 मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे 4 है, पी निकालना है, एल की वैल्यू 3 मीटर यानी कि 3000 हो गया, ओवर आ जाता हूँ नीचे, पाई ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसने ई की वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पे स्टील वाला है तो 200 GPa मान सकते हैं, यहाँ पे 200 × 10³ हो गया, यहाँ पे हो गया 50 और ये हो गया यहाँ पे मेरा 25। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ये सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई मैं 0.8 में करूँगा और फिर आपके सामने जो 3 और 3000 है उसका डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 0.8 × 200 × 1000 × 50 × 25 / आपके जो ऊपर वैल्यू वो है आपकी 4 × 3000 जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी पी की वैल्यू 52359.87। तो ये न्यूटन में है, अगर मैं इसको किलो में करूँगा तो मेरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी मेरी, 52.359 यानी कि 52.4 मैं बोल सकता हूँ किलो न्यूटन, तो जो कि आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।